हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकारम और आप देख रहे हैं बीआरबी फूड वीडियोस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से एक एडिटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत खूबसूरत वीडियो बनने वाली है, उसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही एडिटिंग रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, बाद में आप लोग भूल जाते हैं और वीडियो को भावनाओं खोल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गया कैन मास्टर वर्क प्लस आइकन पर क्लिक करके 60.9 रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमेशा की तरह है जो मैं पूरे ट्यूटोरियल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, आपको पता ही है, और लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, बहुत कंजूस करते हैं लाइक में। तो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, लाइक करते हैं तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मुझे है जो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, इस वीडियो पर इतने लाइक आए। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ खोज खोज के, तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, जिसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप ये बैकग्राउंड लेना चाहते हैं। और फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक कर दें। इफेक्ट पर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ये वाला डाउनलोड कर लीजिए और इसको है जो लेयर कर दीजिए। जितना आप वीडियो में रखने को है जो पानी की फोटो में है जो एकदम इस तरह है, तो इसको अपनों हिला दें, ऊपर लगना चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ यार, पानी हिल रहा है। तो इस तरीके से जो आपको करना है, तो इसको थोड़ी सी स्पीड पर सेटिंग कर दीजिए पानी की, और स्पीड भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करके गैलरी पर चले जाना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है और आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको ये वाला कमल वाला फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों, ये फ़ोटो है जो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका लिंक भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेट कर देना है, यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। और थ्री डॉट पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, डुप्लीकेसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इसको जो आगे आगे करते रहिए, तो मैं जल्दी से जो इसको कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इसको रखते हैं, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस से याद आया, तो दोस्तों, देश में लॉकडाउन की समस्या है तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत संकट में है, महामारी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, और परिवार को सेफ रखिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारे सोशल बात। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो इस तरीके से ये सेट कर देना है, ठीक है। तो मैंने है जो 5 फूल सेट कर दिए हैं, तो इस तरीके से आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट कर दिया, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। और इनको सेंड टू बैक कर देना है। तो ये भी पानी के साथ साथ है जो हिलेंगे, जो इफेक्ट हमने दे रखा है, और आप चाहो तो इसको जो हमने लेयर दिया था उसको फ्रंट कर लीजिए, तो ये इस तरीके से काम कर लेगा, ठीक है। तो इनको हमें जो सेंड टू बैक कर दे, तो मैं सबको सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और आप आराम से है जो इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, हर वीडियो में ट्यूटोरियल के साथ बताता हूँ। और आप दोस्तों मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, और लेमिनेशन पर क्लिक करना है और एलियंस विजिट है जो इस तरीके है, यानी कि एलियंस तरीके से कुछ दिखेगा, इसको है जो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये वाली प्लेट है, इसमें हम है जो एंट्री में आपने वीडियो देखा है उस तरीके से ये इसको इस कोने में ले जाना है और आपको साबिक आइकन पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा स्टॉल करना है और इसको है जो यहाँ पर ले आना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले आया हूँ, यहाँ पर ला देना और इसको यहाँ पर ही रखना है, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। तो दोस्तों, आपने जो एंट्री में वीडियो देखा है इस तरीके का वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस कोने में यहाँ पर ले जाना है और साबिक आइकन पर वापस से क्लिक कर देना है और वापस इसको है जो इस साइड में ले आना है, यानी कि दोनों को एक दूसरे कोने में ले जाना है और दोनों को लेफ्ट राइट से वापस लाकर दोनों को बीच में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अंत तक देखेंगे, अभी तक वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने में बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी हर वीडियो है जो नॉलेजेबल होती है, मुझे ऐसा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आपकी वीडियो नॉलेजेबल है, तो मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं कि हाँ यार, ये वीडियो हमें इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आपके लिए लाइक करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये प्ले किया तो इस तरीके से आकर रुक गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर रुक गया, तो जहाँ पर ये रुकता है वहाँ से आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और लेमिनेशन पर क्लिक करके यहाँ पर है जो डीजे लाइट है जो हम यूज़ करते हैं हर वीडियो में, उसको ले लेना है, ठीक है। तो मैं है जो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पिंक वाली को और इसको लेयर कर देते हैं पहले। तो जितनी आप वीडियो में रखना चाहते हैं उतनी आप लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको है जो पहले तो यहाँ पर
लेयर कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब आप इसको साउथ और सेंड टू बैक कर सकते हैं, और दूसरी लाइट हम सेलेक्ट कर लेते हैं बाद में है, जो इसका आगे का प्रोसेसिंग मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो ये वाली येलो वाली लाइट है, ये भी एकदम फॉक्स लाइट है और एकदम इस तरह रहने वाली लाइट है, तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसको भी आप है जो लेयर कर दीजिए जितनी आप वीडियो में रखना चाहते, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है उसको आप कट कर दीजिए, अगर आपसे लेयर करते समय आगे खिसक जाती है जितनी वीडियो से, तो उसको है जो एक्स्ट्रा पार्ट्स को आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो हमने ये एमिनेशन दिए हैं जो एलियंस वाले, इसको आपको क्या करना है, फ्रंट कर देने हैं, ठीक है। तो लाइट ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको फ्रंट कर लिया, इसको मैं फ्रंट कर देता हूँ, पहले सेंड टू बैक हो गया था, अब फ्रंट कर लेते हैं। और इसको है जो यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो लाइट को जो है थोड़ा स्थिर कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर रख दें इसके, ऐसा लगे कि हाँ लाइट इसके अंदर से है जो बाहर आ रही है, तो ये दिखने में भी बहुत एक्टिव दिखेगा और बहुत यूनिक करने की सोचिए, कुछ अलग करने की सोचिए इस वीडियो में। अब आपको क्या है, इसमें एंट्री एमिनेशन पर क्लिक करके यहाँ पर एंट्री एमिनेशन देना है, तो हम इसमें ड्रॉप वाला दे देते हैं कि ऊपर से लाइट है जो नीचे आएगी, इसमें इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। तो इसमें भी मैं ड्रॉप वाला ही दे देता हूँ, ड्रॉप वाला दे दिया, ठीक है। यहाँ पर इतना देने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर वापस से आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देते हैं, तो मैं है जो लेयर पर क्लिक कर देता हूँ, पहले पलक रह कर देता हूँ, हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आप जो थोड़ा सा लाइट गिर रहा है ना, तब थोड़ा सा स्टॉल करके यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक कर देना है, और फोटो जो है चलो फोटो छोड़ दे बाद में करते हैं फोटो वाला, पहले इसको है जो एक और एमिनेशन हम इसमें दे देते हैं। तो ये वाला देखिए लाइटिंग बुफर्ट इफेक्ट है इसका नाम है, तो आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसके स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके स्टोर में इस तरीके से ये फायर है, मतलब आग जलती है एकदम से, तो इसको इस तरीके से है जो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है आपको, ठीक है। और इसको आप साउथ तो लेयर कर दीजिए, लेयर तो करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इतना ही सल कर रुक जाएगा, और दोबारा भी आपको ऐसा ही करना है, आपको यहाँ पर सेट कर देना है, और सॉरी सेम एमिनेशन में आपको जाना है, तो मैं वापस से राइट पर क्लिक करता हूँ और लेयर पर क्लिक करके और लेमिनेशन पर जा लेता हूँ, और यहाँ से है जो दूसरा वाला इफेक्ट हम सेलेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास दो फ्रेम है, दो फोटो हमें सेट करने हैं, तो दो फोटो के लिए हमें दो फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अंदर जा जाए तो इसको हम इस तरीके से बाहर रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख देते हैं, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट से हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये हटा लिया, अब दोनों बराबर हो गए इफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, तो मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा स्टॉल कर लेना है आपको, और फ्रेम है जो आप अपनी फ़ोटो जो भी लगाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप स्टेटस या वेडिंग वीडियो एडिटर या पार्टी का कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं ये फ़ोटो लेकर। तो दोस्तों वीडियो है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बनी है, आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है, और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि और भी दोस्त है आपके या परिवार वाले सीख सकें इस वीडियो में, कोई वल्गैरिटी नहीं है, एकदम नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप इसको आराम से है जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, सारे इफेक्ट है उनको फ्रंट कर देना आपको, ठीक है। एक फूल को और इफेक्ट जो हमने पहले स्टार्टिंग दिया था जो पानी हिलाने वाला, उसको छोड़ के सारे को डॉट पर क्लिक करके, ठीक है। तो मैं इसमें है जो इस तरीके से लेयर पर क्लिक करता हूँ, और दूसरा फोटो भी हम मैं दे देता हूँ, तो आप वीडियो का लेयर थोड़ा बड़ा रखिएगा क्योंकि फोटो हमें एंड में देने होते हैं, तो फोटो का है जो इस तरीके से करना है, तो मतलब वीडियो एकदम प्ले होगी तो बहुत अच्छी दिखेगी, दिखने में खूबसूरत दिखेगी। तो दोस्तों हर वीडियो में ट्यूटोरियल के साथ बताता हूँ, और बहुत अच्छी वीडियो मेरे हिसाब से लाता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है ये मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर सकता, तारीफ़ नहीं कर सकता, पर दोस्तों अब वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, सारे इफेक्ट काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो मैंने प्ले की तो बहुत खूबसूरत है, ऊपर से आते हैं तो उसकी लाइट आती है साथ में, और नीचे जब ये रुकते हैं तो ये लाइट आती है और फोटो है जो शो करते हैं, तो बहुत खूबसूरत वीडियो है। आप आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।